अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी विमेंस डे तमाम ख्वातीन के लिए जो वीडियो देख रही हैं और जो भी वीडियो देख रहा है वो उनसे ज़रूर शेयर करें जी। हमारी सोसाइटी में ख्वातीन बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं हर एक तरीके से। औरत अगर बहन की सूरत में है, बेटी की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, तो वो हमेशा अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस में रखती है, कॉम्प्रोमाइज़ में रखती है, और वो बहुत सारे मसलों में मुब्तला जिनमें जैसे कि एक कुदरती अमल है कंसीव करना डिलीवरी के बाद। और आहिस्ता आहिस्ता जो है औरत बहुत ही खूबसूरत होती है, अल्लाह ने उसको नाजुक बनाया है, और लेकिन जो सब चीज़ें वो फेस करती है इस माशरे में, सोसाइटी में, वो उसको अक्सर जो है डाउन करना स्टार्ट कर देती हैं। जिसमें मैं एक बात डिस्कस करना चाहूँगी कि अक्सर ख्वातीन कंसीव करने के बाद बहुत सारे मसलों में मुब्तला हो जाती हैं। यहाँ पर कंसीव करना और स्पेशली सी सेक्शन जो है उन्हें बहुत डाउन कर देता है, और बहुत सारे मसले आ जाते हैं, जोड़ों का, हड्डियों का मसला आ जाता है। औरत होना ही एक सबसे बड़ा समझौता है जिसमें औरत कभी भी अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं रखती, और यही मसला आता है। क्योंकि अगर एक औरत ठीक है, बेहतर है, तो वो एक सोसाइटी में बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकती है। और मेरे ख़्याल में तो इस माशरे में जितनी भी ख्वातीन हैं वो बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं हर तरीके से, बेशक वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब करती हैं, वो किसी भी जगह पे हैं, तो वो बड़ा अच्छा रोल अदा करती हैं। अगर हम लोग देखें कि बच्चों में भी पढ़ाई में सबसे आगे जो है ख्वातीन लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, लेकिन अक्सर हम लोग भी जो है अपनी बहन बेटियों को जो है निगलेक्ट कर देती हैं बहुत सारी चीज़ों में, उन्हें जो है उन पर इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से एक तो औरत साइकोलॉजिकल कंडीशन में मुबतला हो जाती है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। आज की औरत सबसे ज़्यादा इन कंडीशन में मुबतला है। इसके अलावा जब वो कंसीव करती है, कंसीव होना, उसके बाद की जो कंडीशंस होती हैं, वो कभी भी अपनी डाइट पे फोकस नहीं करती, अपनी ज़ात पे फोकस नहीं करती, अपने खाने पीने पे फोकस नहीं करनी। और फिर जब वो माँ बन जाती है, तो माँ बनने के बाद तो उसके लिए अपनी ज़ात बिल्कुल ही नहीं मैटर करती, हमेशा उसकी औलाद होती है, उसके बच्चे होते हैं। तो एक औरत अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत ही आला मुकाम रखती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, स्पेशली मर्द हजरात, तो अपनी घर की ख्वातीन पे खास तवज्जो दिया करें, उनका ख्याल रखा करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बता नहीं सकती, उनको देखा करें, उन पर फोकस किया करें। और औरतें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ केयर, अपनी ज़ात पे फोकस किया करें। आप खुद बेहतर रहेंगी, आपका घर बेहतर रहेगा, आपका माशरा बेहतर रहेगा। और हम अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जिसको एक औरत बहुत ही बहादुरी के साथ फेस करती है, बर्दाश्त करती है, और जो है अच्छा रोल प्ले करती है। तो एक औरत के लिए ये मैसेज था कि अपनी ज़ात को सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखना चाहिए, ज़रूरी रखना चाहिए। बेशक हमारे लिए बाकी सब भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हमारी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अपना जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी डाइट पे फोकस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और अपने लिए दिन में जो है 10 से 15 मिनट ज़रूर निकाला करें। शुक्रिया।